सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। संसदीय क्षेत्र में विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति दिए जाने पर जताया आभार। राज्य विधानसभा का 7वां सत्र 9 फरवरी से होगा शुरू। विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा की ओर से राजस्थान राज्य पत्र में अधिसूचना करवाई गई प्रकाशित। बाड़मेर में 275 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया शिलान्यास। जयपुर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रसादी लाल मीणा ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक। कहा, खाद्य पदार्थों में मिलावट किसी भी स्तर पर नहीं की जाएगी बर्दाश्त। बारा में नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव राजीव ठाकुर ने ली समीक्षा बैठक। कहा, जिले में स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के निर्धारित इंडिकेटर्स के तहत हुआ उल्लेखनीय कार्य। झालावाड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने झालरा पाटन में किए जा रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कार्य समय पर पूरा करवाने के दिए दिशा निर्देश। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण और शीतलहर के मद्देनजर समस्त सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 29 जनवरी तक रहेंगे बंद। जिला कलेक्टर द्वारा शिक्षक संगठनों की बैठक के बाद लिया गया फैसला। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने रंठाजना पुलिस थाने का किया औचक निरीक्षण। थानाधिकारी से आपराधिक प्रकरणों, आपराधिक नियंत्रण के प्रयासों के बारे में ली जानकारी। जयपुर में कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने जागती ज्योत के पंडित भरत व्यास विशेषांक का किया विमोचन। कहा, व्यास के गीतों में राजस्थान की माटी की आदि गंध है। राज्य सरकार ने 2,362 पटवारियों को वरिष्ठ पटवारी पदों पर किया पदोन्नत। पटवारी के पद का 5 वर्ष का अनुभव पूरा करने वाले कार्मिकों को मिलेगा पदोन्नति का लाभ। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने परकोटा क्षेत्र का किया दौरा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीकर के जिला कारागृह में पुस्तकालय का जिला कलेक्टर और जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया शुभारंभ। कहा, कैदी धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उनकी आदतों में भी आएगा सुधार। जयपुर में आज एक दिन में आए 4,000 से अधिक कोरोना के नए मामले। सबसे ज्यादा मानसरोवर, मालवीय नगर और वैशाली नगर में मिले कोरोना पॉजिटिव। एसीबी ने पाली में ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। आवास और अन्य ठिकानों पर जारी है तलाशी अभियान। पूर्व राज्यसभा सांसद जमुना बारूपाल का हुआ निधन। लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और ऊर्जा मंत्री ने जताया दुख।